नमस्कार बिजनौर तक में आपका स्वागत है। झालू बस स्टैंड के समीप खाली प्लॉट में आज एक युवक की लाश मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई तथा पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त का प्रयास किया तो बिजनौर के मोहल्ला बड़वान निवासी 24 वर्षीय शुभम के रूप में हुई, जो कल शाम से अपने घर से लापता था। पुलिस कप्तान डॉक्टर धर्मवीर सिंह के अनुसार मृतक के चेहरे पर चोट के निशान पाए गए तथा पहचान मिटाने के लिए उसके चेहरे को जलाया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा मौके पर डॉग स्क्वाड टीम भी जांच में जुटी है। युवक की मौत से परिजनों में कोहराम मचा है। बिजनौर से राजू फहीम की रिपोर्ट। कप्तान साहब, एक बॉडी मिली है, क्या मामला पूरा उसका? शुभम नाम का लगभग 24 वर्षीय युवक है, जो कल शाम से रात से अपने घर से गायब था। आज प्रातः बिजनौर में लाश मिली है, बड़वान मोहल्ले का है। ये ज्ञात हुआ कि उसके चेहरे पर, सिर पर पत्थर के चोट के निशान हैं और चेहरे पर कुछ जले का निशान है। पहचान हो गई है, इसके मोटिव के बारे में जानकारी की जा रही है। 302 IPC का हत्या का अभियोग पंजीकृत करके अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है और इसकी रंजिश एवं अन्य कारणों का पता लगाया जा रहा है।